गाइस मैंने लंच वगैरह बना के दे दिया है। देखिए मम्मी गांव से वापस आ चुकी है, ये देखिए खाना खा रही है बैठ के। और मैं जा रही हूँ अभी ईशू के स्कूल, क्योंकि जो ईशू के एग्जाम चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो शीट्स उसके स्कूल में सबमिट कराना है। तो एग्जाम खत्म हो गए हैं तो मैं जा रही हूँ स्कूल ईशू के सबमिट कराने। 1 बजे तक का टाइम है, अभी 12:30 बज चुके हैं। एंड ये मेरे साथ चल रहे हैं चीकू लाल, क्योंकि इनकी मुझे हेयर कटिंग भी करानी है, तो उधर से ही मैं इनका हेयर कटिंग भी करा के आ जाऊंगी। चलो चीकू। तो फ्रेंड्स आई थी ईशू के स्कूल में, ये देखिए, एंड इसकी शीट्स सबमिट करा दी है मैं इनके पास। तो अभी अब चल रही हूँ, देखती हूँ ईशू के चीकू के हेयर कट भी कराने हैं मुझे, तो अब चलती हूँ वहीं कट कराऊंगी। मैम अच्छा मैम कहाँ पर करेंगी? तो फ्रेंड्स मैं जा रही थी घर, बट क्या है बच्चे तो बच्चे बाहर निकले ना, मतलब स्कूल के अंदर ही है, स्कूल ग्राउंड में ही है, पर बिल्डिंग से बाहर, स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकले, तो जो बाहर उनका मिनी अप्पू घर है ना, वहाँ से भी बच्चों के लिए झूले वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, तो बच्चे वहाँ झूल रहे थे। बस चीकू भी जिद करने लगे, तो वही यहाँ पर वो लगे हुए हैं अपनी मस्ती में इधर से उधर। तो फ्रेंड्स चीकू आ नहीं रहे थे, काफ़ी मस्ती की इन्होंने, काफ़ी देर तक उसमें खेलते रहे, काफ़ी कोशिश करके इनको यहाँ लाना पड़ा है, क्योंकि देर हो रही थी, 2:30 बज गए थे करीब। एंड अब इनकी हेयर कटिंग हो गई है चीकू लाल की, तो अब हम चलेंगे घर, क्योंकि अभी इवनिंग में हमें जाना है एक शादी में, तो चलते हैं फटाफट घर। इवनिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग आज जा रहे हैं शादी में, जो हमारी गली में शादी है ना, बताया उसी शादी में हम लोग जा रहे हैं। मैं भाभी बिट्टू, देखिए हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं, चमचम चमचम हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स मेरा मेकअप देखिए, आप बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। अरे कौन सा मेकअप, सेफ्टी भी जरूरी है, सेफ्टी भी जरूरी है, तो मास्क लेके तो जाना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, हीरोइंस हीरोइंस चल रही हूँ शादी में, माशाल्लाह। देवरानी जेठानी, ये भाभी है, ये मैं हूँ, और यहाँ पार्टी होने वाली और हम जा रहे हैं पार्टी करने, पार्टी करने। चलो गाइस चलते। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे शादी है रही। Just call my.
ये देखो रख रही है, ये प्रमाण है, ये बिट्टू ने रखा, ये लो तुम्हारा, इसको रखो अभी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। डालो मत कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूं। डालूंगी डालूंगी बिल्कुल डालूंगी बिल्कुल डालूंगी बिट्टू, ये बिट्टू ने कोल्ड ड्रिंक पिया। हां बहुत सुंदर नजर ना लगे। ये दीपिका आएगी बेटा, लेकिन वो कल सुबह उसकी छुट्टी है। तो बस कमाल, ऐसी रोशनी आने दो ना। तो फ्रेंड्स, दुल्हन काफ़ी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। मेकअप एंड ड्रेस दोनों ही बहुत खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड उसकी ये सिस्टर्स हैं, ये भी अच्छी लग रही हैं। और ये यहाँ मंडप भी बना हुआ जिसमें चीकू बार बार जाके खेल रहे थे। यहाँ जयमाल के बाद शादी होगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। बट हम ज़्यादा जयमाल तक रुक नहीं पाए बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका था, 11:30 हो चुके थे और नेक्स्ट डे चीकू के डैडी का ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए हमें निकलना पड़ा। एंड आई होप फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।